Bismillahir Rahmanir Assalamu alaikum, my dear students. Today we want to discuss a very, very important topic. Particularly if you are living in a bit larger home and you are interested in fresh fruits and fresh vegetables. Yes, my dear students, I am talking about home gardening. होम गार्डनिंग का टॉपिक हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है और अगर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक से कुछ गेन करना चाहें तो वो क्या क्या, क्या कुछ हो सकता है सो लेट्स गो टू द्हाइट बोर्ड होम गार्डनिंग का जो कॉन्सेप्ट है माय डियर स्टूडेंट्स इट इज नॉट दैट वेरी सिंपल एज इट वाज इन द प्रीवियस डेज बिकॉज के एलम सबसे बड़ी पावर है अगर आपके पास इल्म है तो आप बहुत छोटी या कम चीजों को इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा फवाद हासिल कर सकते हैं वो वाले फायदे जो शायद आपको माइल्स एकड़ में फैले हुए फील्ड ही देते वो आपको चंद फ़ुट में लगा हुआ एक पौधा भी दे सकता है जरूरत इस बात की है कि हम अपने इल्म को हासिल करें और उसे इफेक्टिवली इस्तेमाल करें अगर हम बात करते हैं होम गार्डनिंग की तो ये बेसिकली आपको पता है कि आपको जो घर है वो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है उस एक दूसरे से जुड़े हुए सिस्टम के अंदर हम छोटे से एरिया में बहुत सारे काम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल हम उस छोटे से घर को एरिया को एक फैमिली होम या फैमिली हाउस किराम देंगे तो आप लोगों को एक लिविंग एरिया मैनेज करना पड़ेगा आप लोगों को एक किचन का गार्डन मैनेज करना पड़ेगा फिर अगर आप फिश में इंटरेस्टेड रहे तो आपको एक फिश पॉन्ड या आपको वैसे स्विमिंग पूल अरेंज करना पड़ेगा या आपको एक एनिमल हाउस और उसमें जहाँ एक स्टोर हाउस भी मैनेज करना पड़ेगा ये मैं छोटे से बड़े घर की बात कर करूँ ज़ाहिर है मैं बहुत छोटे घरों की बात नहीं कर रहा हूँ इसका हमें फ़ायदा क्या होगा इसका फायदा हमें ये होगा कि इससे हमें बहुत ज़्यादा फिजिकल सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल होंगे और इस पर्टिकुलर एरिया को हम आ, अगर एज करना चाहेंगे तो हमारा लिविंग एरिया इन तमाम एक्टिविटीज़ का सेंटर होगा और ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ हम इसकी पैफरी में साइड्स पे अरेंज करेंगे दुनिया में जो बड़ी बड़ी एडवांस कॉमें हमारे स्टूडेंट्स अगर आप उनके घरों को देखें तो ये दे घर बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन उनका जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है वो बहुत कम होता है वो हमेशा एरिया कंस्ट्रक्ट करते हैं या एरिया अंडर कवर वो लेके आते हैं कि जो एज़ पर देयर फैमिली साइज़ होता है और फिर एबव ऑल अगर उनको उसका एरिया ग्रो भी करना पड़ता है तो वो उस पर्टिकुलर एरिया को वर्टिकली ग्रो करवाते हैं मीन उसके ऊपर एक मंजिल दो मंजिलें और डाल लेते हैं लेकिन वो एरिया जो कल्टीवेटेबल होता है जहाँ सिर्फ फ़ायदे हासिल हो सकते हैं वो उस एरिया को अंडर कवर कम से कम लाने की कोशिश करते हैं हमारे मुल्क में इस बात की ज़रूरत भी मौजूद है इस बात की गुंजाइश भी मौजूद है कि हम ये सीखें कि हमें अपनी पॉपुलेशन को वर्टिकली ग्रो करना चाहिए ना कि हॉरिजॉन्टली जब हम हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं तो हम अपने काबिल काश्त एरिया को तो कुर्बान कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी छोटी सी पम्प एंड शो या शानो शौकत पे लेकिन अगर हम इस इसको छोड़ दें और हम कॉलोनीज़ ऐसे एरियाज में बनाएँ जहाँ पे काश्त नहीं हो सकती और हम उन एरियाज़ में जाकर छोटे छोटे गार्डन बनाएं तो ये ज़मीन ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है हमारे रहने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स होम गार्डनिंग ये पुराने जमाने में महज एक हॉबी थी लेकिन आज ये सिर्फ हॉबी नहीं है आज ये हमारे पास सोर्स ऑफ एक्सरसाइज है सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट है सोर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स है बहुत से ऐसे फ्लेवर्स हैं अगर आप उन पर्टिकुलर फ्लेवर्स को उन जायकों को और उनके रियल स्पिरिट में एंजॉय करना चाहें तो उसका एक ही मेथड है कि आप उन्हें फ्रेश उगाएं बहुत से ऐसे पौधे हैं बहुत सी चीजें हैं जो कई माइल्स 1800 माइल 2000 माइल कितने कितने दूर माइल से हमारे पास पहुंचती हैं जबकि फ्लेवर को प्रिजर्व होने के लिए तो कुछ मिनट्स ही चाहिए थे लेकिन वो इतने दूर सफर करने के बाद जब हमारे पास आती हैं तो ना उनमें वो फ्रेशनेस बाकी रहती है और ना ही उनमें वो जायका बाकी रहता है फिर हम बहुत सी वाइटी ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल्स ये भी हम अपने घरों में उगा सकते हैं और हम वो मनी जो इन पर्टिकुलर बासी और स्टेल चीज़ों को, को खरीदते हुए इस्तेमाल करते हैं हम वो प्रेशस मनी बचा सकते हैं और अपने गार्डन को मजीद खूबसूरत कर सकते हैं प्लस इसके अलावा इस पर्टिकुलर जगह को देखा जाए तो ये वाली जगह हमें प्ले का एरिया प्रोवाइड करती है हमें लर्निंग प्रोवाइड करती है हमें फन प्रोवाइड करती है वो भी से प्ले तो जाहिर है बच्चे जगह पे जाके खेल सकते हैं लर्न कर सकते हैं कि कौन से मौसम में कौन कौन से बीज किस वाटर क्वांटिटी में किस तरह की सॉइल में ग्रो करते हैं और फन है इट इज अज क्या आप इसकी मदद से डिफरेंट किस्म की चीज़ों को ग्रो करता हुआ देखते हैं उनकी रिप्रोडक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं उनसे होने वाले मेडिसिनल यूज को अंडरस्टैंड करते हैं उनसे होने वाले फ्लेवर्स को नॉलेज को गेन कर रहे होते हैं तो जितना ज़्यादा आप लोग इस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट लेंगे आपको पता चलेगा कि आपकी एजुकेशन की इंपॉर्टेंस आपकी इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है तो गार्डनिंग इज नॉट जस्ट द ग्रोइंग द क्रॉप्स इट इज़ अ फील्ड इट इज़ अ नॉलेज एंड आई ऑलवेज सेट नॉलेज इज अ पार मोर नॉलेज मोर पार एंड मोर फन मोर प्ले मोर फ्लेवर्स मोर राइट इन योर होम्स राइट आए देखते हैं कि इसके बारे में हम बोर्ड टू में आप लोगों से मजीद क्या बातें करने वाले यस ये डियर स्टूडेंट्स होम गार्डनिंग की बहुत सी इंपॉर्टेंट हम एक जनरल वे में आप डिस्कस कर चुके हैं लेकिन ये पॉइंट्स चूंकि आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकते हैं लिहाजा मैंने इन पर्टिकुलर चीजों को सेपरेट पॉइंट भी आपके सामने लिख दिया है कि तो ये खास के फिर यू नहीं रहते तो हम काट सकते हैं दिस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन और फिर हम लोग उनकी जगह पे नए पौधे जो मोर वे से ग्रो करेंगे ज्यादा बेहतर क्वालिटी में आपको फूड प्रोवाइड करेंगे वो आप लोग वहां पे कास्ट कर सकते हैं तो जो जो पौधा मर गया है वो मरा हुआ भी आप लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ फ्यूल है राइट जरूरी नहीं कि हम हमेशा नेचुरल गैस पे ही गुजारा करें हमें और सोर्स ऑफ एनर्जी भी ढूंढनी चाहिए जिनमें कि हमारे अपने घरों में पड़ी हुई गलती सर्ती सूखी लकड़ियां भी शामिल हो सकती हैं फिर इसके अलावा हमें वुड मिलती है और उस पर्टिकुलर व को हम डिफरेंट चीजें बनाने में इस्तेमाल भी कर सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे ख्याल में जो होम गार्डनिंग की आप लोगों को फायदेमंद नजर आती है वो यही है कि आप इससे स्टेपल फूड जो फूड आप बहुत ज्यादा मकदार में खाते हैं वो आप लोग राउंड द ईयर अपने पास ग्रो करके रख सकते हैं और फ्रेश चीज आपको मिल जैसे मैंने बोला था आप लोगों से कि जो मार्केट से आप लोगों को चीज मिल रही होती है वो आमतौर पर स्टेल ही होती है लेकिन जब आप उसे अपने घर में अपने होम गार्डन में ग्रो करेंगे तो वो बहुत फ्रेश होगी और वो फ्रेश फ्रेश ही आपके डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाएगी जैसे मैंने जिक्र किया था कि एक बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं बहुत से ऐसे फल हैं कि जिनका फ्लेवर जिनका टेस्ट चंद मिनटों का मोहताज होता है हम उसे कितने ज़्यादा अच्छे वे में प्रिजर्व करके यहाँ पर ट्रांसफर करें वो लूज हो जाता है प्लस सबसे जो बुरी बात है कि जब हम फूड को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम द मार्केट्स फ्रॉम द फील्ड्स टू द स्टोर रूम्स जनरल स्टोर रूम्स टू मार्केट एंड मार्केट टू द एंड कंज्यूमर तो इस पूरी चेन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है जब बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो हमारी क्वालिटी डेफिनेटली अफेक्ट होती है लेकिन अगर आप होम गार्डनिंग के जरिए से सब्जियाँ और फर, क्या उगाएंगे फल उगाएंगे तो वो आपके डाइनिंग टेबल पे आप लोगों के मुंह में फ्रेश फ्रेश पहुंच रहे होंगे और यकीन करें कि इसका कोई जवाब नहीं है राइट बाई स्टूडेंट्स देन वी वॉन्ट टू मूव कि बहुत से ऐसे प्लांट्स है कि जिन्हें आप घरों में ग्रो कर सकते हैं उनकी मेडिसन वैल्यू होती है मिसाल के तौर पर आप जो शादा घर में उगा सकते हैं हम घर में उगा सकते हैं और भी बहुत से ऐसी प्लांट्स है जिनकी मेडिसनल वैल्यू होती है जिसमें से एलोवेरा एक बहुत कॉमन हमारे पास हर्ब है और ये यू कैन से हमारी स्किन को फ्रेश रखने में बहुत इस्तेमाल होती है और बहुत से लोग इसे पका के भी खाते हैं तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें आप लोगों को मेडिसल फ़ायदा भी दे सकती हैं फिर आप हर्ब्स ग्रो कर सकते हैं आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं जो आप लोगों के एस्थेटिक सेंस को डेफिनेटली इंक्रीज करते हैं बहुत आई कैचिंग होती हैं अब बहुत ग्रेसफुल ट्रांजिशन देते हैं आप लोगों के आई लाइन्स को रोड लाइन्स को हर मौसम के साथ जब उनका रंग बदलता है तो डेफिनेटली ये आप लोगों की तबीयत पे बहुत अच्छा और खुशगवार एहसास डालता है राइट फिर जो मेरे ख्याल में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फ्रेश एयर हमारे पास बहुत से ऐसे इंडोर प्लांट्स हैं जो कि आपकी आर्टिफिशियल लाइफ लाइफ में से रिलीज होने वाले डिफरेंट किस्म के फ्यूम्स और केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमेशा एक फ्रेश एयर आप लोगों को देते हैं यानी कि वो आपके हिस्से के दुख ले लेते हैं और आप पे ख़ुशियाँ बांटते हैं कि आपको कोई ऐसा अच्छा दोस्त मिल सकता है डेफिनेटली वो अच्छा दोस्त आपका प्लांट हो सकता है जो इन्वायरमेंट में से हार्मफुल फ्यूम्स को डस्ट पार्टिकल्स को डर्ट पार्टिकल्स को और डिफरेंट किस्म के टॉक्सिन्स को खुद एब्जॉर्ब कर ले और आपको फ्रेश क्या करें एयर प्रोवाइड करे फिर इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि बहुत से ऐसे पौधे हैं कि जो आप छोटे से अपने घर में लेके आए ठीक है और जब आप इसे छोटा सा खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत सस्ती तो नहीं होती लेकिन नॉमिनल जरूर होती है लेकिन वही वाले प्लांट्स जब काफी बड़े हो जाते हैं तो दे कैन रियली फिल योर पॉकेट यानी कि उनके बड़े होने पे उनके हमें अच्छी खासी मनी बैग गारंटी बल्कि मल्टीफोल्ड बैग गारंटी आप लोगों को मिल सकती है तो इस तरीके से वो आप लोगों का एक बड़ा हैंडी सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकते हैं फिर हम चलते हैं कि जब हम फूड को ग्रो करेंगे अपने घरों में तो जाहिर है वो फूड आपको ज़्यादा क्वान्टिट्टी में मिलेगी कम कॉस्ट पर मिलेगी और आपको थोड़ी सी जो लेबर आपने की वो आपको फन और लर्निंग की सेंस में बिल्कुल भी, भी फील नहीं होगी देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में कौन कौन से महीने में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं और अगर वो हम अपने घर में काश करना चाहें तो वो फसलें कौन कौन सी हो सकती हैं सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड यस डियर स्टूडेंट्स ये है वो एक लंबा चौड़ा टेबल जो आप लोगों की बुक में गिवन है जो बता रहा है कि हमारे पास चार डिफरेंट मौसम होते हैं जिसमें से आप लोग विंटर स्प्रिंग समर एंड फॉल जिसे कि आप लोग सर्दियाँ बहार गर्मियाँ और ख़जा का नाम देते हैं इन डिफरेंट टाइप्स ये-ये हमारे पास प्लांट्स है जिन्हें कि आप अपने घर में ग्रो कर सकते हैं और ग्रो करने के बाद अपनी स्टेपल फूड को अपनी टेबल्स पे फ्रे, फ्रे, फ्रेश फ्रेश पहुँचा सकते हैं खुदा करे कि मेरी अर्जे पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा खजाना हो हमेशा की तरह से माइडियस यूनिवर्सिटल तो लेक्चर के किसी बहुत अच्छे शेयर पर करता हूँ तो आज भी मैं आप लोगों की नज़र एक शेयर कर रहा हूँ कि खुदा करे कि मेरी अर्जे पाक पे उतरे वो फसलें गुल के जैसे अंदेशा ख़जा ना हो तो आप लोग ख़जा के मौसम को भी पॉजिटिवली यूज़ करके बहुत सी सी फसलें उगा सकते हैं और अपने गार्डन को बहुत हरा भरा रख सकते हैं फ्रेश एयर को इंजॉय कर सकते हैं फ़न कर सकते हैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा इल्म दे सकते हैं और अबव ऑल फूड गेन कर सकते हैं दूसरों पे डिपेंडेंट हुए बगैर अगर आपके पास एक थोड़ा सा भी बड़ा घर है तो इस हॉबी को जरूर ऑप्ट करें आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफिज